केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के साथ एम्स बिलासपुर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रि से एम्स का बहुत गहरा संबंध है। 2017 के 3 अक्टूबर को जब प्रथमी थी तो एम्स का शिलान्यास हुआ था और 5 अक्टूबर 2022 को जब विजयादशमी थी तो प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था और 2 साल की अवधि में जितनी तीव्र गति से हम जा सकते थे उतना कार्य किया गया। आज मुझे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आने का सौभाग्य मिला और अभी हम लोगों ने एक रिव्यू मीटिंग की। उस रिव्यू मीटिंग के पश्चात आपके सामने मैं मुखातिब हुआ हूँ। शारदीय नवरात्रों से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का बहुत गहरा संबंध है। 2017 के 3 अक्टूबर को जब प्रथमी थी तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास हुआ था और 5 अक्टूबर 2022 को जब विजयदशमी थी तो उस दिन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन भी उनके कर शिलान्यास भी उनके कर कमलों द्वारा हुआ था और उद्घाटन भी उनके ही कर कमलों द्वारा हुआ और दोनों ही शारदीय नवरात्रों में हुए। 5 साल की अवधि में जिसमें 2 साल कोरोना का भी लगा लेकिन उसके बीच में ये हम लोग कर सके। अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 38 डिपार्टमेंट प्रेजेंटली ऑपरेशनलाइज हैं, 17 ब्रॉड स्पेशलिटीज हैं, 13 सुपर स्पेशलिटीज हैं और 690 ऑपरेशनल बेड्स हैं। तो मुझे लगता है कि 2 साल की अवधि में 2022 अक्टूबर को हमने शुरू किया तो जितनी तीव्र गति से हम जा सकते थे वो इंस्टीट्यूट गया है। मैं इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर फॉर्मर डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी को और डॉक्टर नेगी जी को जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उनकी टीम को एमएस और हमारे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।